हाथरस जनपद में पुलिस द्वारा वकीलों की गई पिटाई को लेकर कौशाम्बी के वकीलों ने जताया भारी आक्रोश। कौशाम्बी के अधिवक्ता ने पिटाई का विरोध करते हुए बार एसोसिएशन के लोगों ने डीएम दफ्तर का घेराव करके दिया ज्ञापन। हापुड़ में पुलिस द्वारा वकीलों की पिटाई को लेकर कौशाम्बी के वकीलों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के लगाए नारे। बार काउंसिल एसोसिएशन के महामंत्री लक्ष्मीकांत त्रिपाठी ने अपने अधिवक्ता साथियों के साथ कौशाम्बी डीएम दफ्तर का किया घेराव। हापुड़ की निंदा को लेकर कौशाम्बी के अधिवक्ता हुए नाराज। यूपी में वकीलों का हड़ताल का हुआ असर। कौशाम्बी के महामंत्री अधिवक्ता लक्ष्मीकांत त्रिपाठी ने कहा, 48 घंटे के बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम गठित करवाकर अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही करने का दिया आदेश। हापुड़ के कांड को लेकर यूपी के अधिकांश जिलों में वकीलों का हो रहा है प्रदर्शन। जो अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, आज उसके स्तर से कौशाम्बी जिले में डीएम ऑफिस में ज्ञापन दिया गया, इसका सर क्या पूरा मामला है? ये कल जो है जनपद न्यायालय हापुड़ में जी हमारी एक अधिवक्ता साथी जो है जी कुछ शिकायत उनकी थाने में थी, उसी को लेके जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से जी। तो उसमें जो है पुलिस वाले आए और उन पे जो है कहा सुनी करके जबरदस्ती लाठी चार्ज कर दिया, जिसमें काफ़ी अधिवक्ता साथी हमारे जो है उनको छोटे आए उस लाठी चार्ज में और काफ़ी गंभीर रूप से घायल भी हुए, जिसके फलस्वरूप पूरे उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता आक्रोशित है जी। और हमारा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश जी ने भी इस घटना को संज्ञान लेते हुए पूरे प्रदेश में उन्होंने आह्वान किया कि आज कोई भी जिले में अधिवक्ता कार्य नहीं करेगा, न्यायिक कार्य से विरत रहेगा और इस घटना की जो लाठीचार्ज की बर्बरतापूर्ण घटना हुई है जी उसकी निंदा कठोर शब्द में करते हुए पूरे प्रदेश में विरोध दिवस मनाते हुए न्यायिक कार्य से विरत रहेगा और साथ ही साथ अपने अपने जिलाधिकारी को 3 सूत्री ज्ञापन देगा जी, जिसमें मुख्यमंत्री को संबोधित होगा जी। और जिसमें पहली मांग हमारी रहेगी है कि 24 घंटे के अंदर उन अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेजा जाए जो इस घटना में सम्मिलित थे। सर, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, इसका क्या आदेश पे लाठी चार्ज करवाया गया था या तो ऐसे? नहीं, कुछ कोई आदेश उदेश नहीं, केवल मनमाने ढंग पूरे प्रदेश में इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए जी खास तौर पे पुलिस विभाग जी आमादा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है उनके पास, केवल गुंडागर्दी है कि सरकार को बदनाम किया जाए और मनमाना किया जाए, पूरे प्रदेश में पुलिस का राज चल रहा है। कौशाम्बी डीएम की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया सर? कौशाम्बी डीएम की तरफ से भी जो है पहली बात तो वो काफ़ी देर बाद आए जी, हम लोगों से मिलना नहीं चाह रहे थे जी। जब हम लोगों ने काफ़ी जो है हमारे अधिवक्ता साथी काफ़ी विरोध मशक्कत करने के बाद जी वो अपने ऑफिस से आए और हम लोगों ने उनको अपना ज्ञापन दिया और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपके इस ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचा देंगे। सर, आपका परिचय? लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, महामंत्री मॉडल डिस्ट्रिक्ट बारिश। थैंक यू। राजीव एकेडमी फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, 7th रैंक ऑफ MBA बाय AKTU, assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green enthralling ambience.